नकली नोटों की छपाई एक ऐसा काला धंधा जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को डगमगा सकता है। आपने भी भारत में नकली नोट बनाने वाले गिरोह के पकड़े जाने की कई खबरें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नकली नोट छपते कैसे? फेक करेंसी बनाने वाली गैंग्स इन नकली नोटों को मार्केट में कैसे फैलाती है? इससे उन्हें क्या फायदा होता है और आखिर इनकी टेक्निक्स क्या है जो ये इतनी आसानी से सरकार की नाक के नीचे नकली नोट छाप देते हैं? आज के इस वीडियो में हम नकली नोट और उन्हें बनाने वाले गिरोह के नेटवर्क का पूरा भांडा फोड़ने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, नकली नोट कैसे बनते हैं वो जानने से पहले भारत में नोट छापने के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। दरअसल साल 1935 में भारत की सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी और 1938 में आरबीआई को पहली बार महसूस हुआ कि उन्हें भारत की अपनी करेंसी के नोट छापने चाहिए और उसी साल भारत में पहली पेपर करेंसी छापी गई जो जॉर्ज सिक्स की तस्वीर के साथ 5 रुपए का नोट था। उसी साल आरबीआई ने 10, 100, 1000 और 10,000 रुपए के नोट भी छापे। तब से शुरू हुआ नोट छापने का सिलसिला लगातार चल रहा है। देश की आजादी के बाद इसमें समय समय पर कई तरह के बदलाव हुए, लेकिन धीरे धीरे देश में टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा और कुछ लोगों ने जाली नोट छापने का धंधा शुरू कर दिया और 1996 में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को महसूस हुआ कि उन्हें अपने नोटों की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, यानी अधिक सुरक्षित नोट छापने चाहिए ताकि मार्केट में जाली नोट न चल पाए, और धीरे धीरे नए नोट छापे गए। लेकिन वर्ष 2000 के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वैसे वैसे मार्केट में नकली नोटों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और ब्लैक मनी को कम करने के लिए साल 2016 में भारत सरकार ने पहली बार 500 और 100 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। लेकिन 2000 के नए नोट आने के बाद तो नकली नोटों का चलन और ज्यादा बढ़ने लगा, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2017 और 2018 में भारत में जितनी भी फेक करेंसी सीज की गई उसमें से 56% तो सिर्फ 2000 के नोट थे। यानी इतने सिक्योरिटी फीचर्स होने के बावजूद 2000 के नोट कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। यहां तक कि कुछ एटीएम मशीन्स भी इन नोटों को पहचानने में धोखा खा रही थी, इसलिए पिछले साल 2023 में सरकार ने 2000 के नोटों का चलन ही बंद कर दिया। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ये नकली नोट कैसे छापे जाते हैं? तो आपको बता दें कि नकली नोट छापने वाले हर गिरोह का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है, बस फर्क होता है तो एक्यूरेसी का। कुछ गिरोह का नोट ज्यादा असली लगता है तो कुछ का कम। खैर, नकली नोटों को बनाने के लिए सबसे पहले ये लोग एक खास तरह के पेपर का बंदोबस्त करते हैं जिसके वजन से लेकर टेक्सचर तक हर चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के असली नोटों से कम 80 से 90% मेल खाता हो। इस तरह से पेपर साधारण जेरोक्स पेपर से काफी महंगे होते हैं और फ्रेश भी होते हैं। अब स्कैनर के जरिए असल नोटों को स्कैन करके कंप्यूटर में उनकी बारीकियों को परखा जाता है और सब कुछ सही हो तो सॉफ्टवेयर की मदद से उनकी मास्टर कॉपी बना ली जाती है, जिसके बाद सफेद कागज पर नकली वाटर मार्क लगाया जाता है। जी हाँ, ये वही निशान होते हैं जिनकी मदद से हमें लाइट के आगे नोट रखकर उन्हें परखा करते हैं। लेकिन अब इन कारीगरों ने उस निशान को भी नकली बनाना शुरू कर दिया है। खैर, इसके बाद इन कागजों पर वो हरे रंग की पट्टी लगाई जाती है जो किसी भी करेंसी नोट की पहचान होती है, साथ ही इनमें थोड़ा सा उभार भी दिया जाता है। अगले स्टेप में नकली नोट बनाने वाले कारीगर जेरोक्स मशीन के जरिए नकली नोट छाप लेते हैं और इस दौरान एक पेपर पर करीब 4 नोट छापे जाते हैं। लेकिन जब भी हम किसी नोट पर हाथ फेरते हैं तो हमें कुछ उभरा हुआ महसूस होता है, जिसके जरिए ये कारीगर स्क्रीन प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं और हरी या गुलाबी इंक वाले कुछ हिस्से स्क्रीन प्रिंटिंग की मदद से छापते हैं और आखिर में कतर की मदद से इन नोटों को काफी बारीकी से काटते हैं और गड्डियां बना लेते हैं और इन्हें मार्केट में सर्कुलेट करके काफी सीरियस क्राइम को अंजाम देते हैं। हालांकि इन पर पकड़े जाने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, लेकिन लालच में आकर ये लोग ऐसे गलत काम करते हैं। दोस्तों, ये गिरोह इतनी सफाई से काम करते हैं कि चालाक से चालाक इंसान भी इनके नोटों को पहचानने में धोखा खा सकता है, फिर चाहे वो नोट का सटीक रंग हो या फिर असली नोट पर लगने वाली आरबीआई की हरी पत्ती। ये लोग इन सभी को बेहद बारीकी से और ध्यान से बनाते हैं, इसलिए कई बार तो बैंक में काम करने वाले कर्मचारी भी इन नोटों को पहचानने में चूक जाते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये गिरोह जाली नोटों को सप्लाई करते हुए उनके बदले सोना या चांदी या हीरे जवाहरात में से क्या मांगते हैं, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लोग नोट के बदले नोट ही मांगते हैं। जी हाँ, जब राजस्थान पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले 32 वर्षीय कैलाश मेघवाल को पकड़ा तो उससे पूछताछ की गई
उसने बताया कि देश में जाली नोटों के लगभग सभी गिरोह 1 लाख रुपए के असली नोटों के सामने 3 लाख रुपए के नकली नोट सप्लाई करते हैं, ताकि वो नकली नोटों को इस्तेमाल करते हुए पकड़े भी ना जाएं और मार्केट में जाली करेंसी भी चलती रहे। यहाँ एक और सवाल यह है कि आखिर नकली नोट बनाने वाले गिरोह फेक करेंसी को मार्केट में सर्कुलेट करके कैसे आम इंसानों को बेवकूफ बनाते हैं। तो इसके लिए हमें 2 रिपोर्ट्स पर नजर डालनी होगी, जिसमें से पहली है उत्तर प्रदेश से। दरअसल आए दिन यूपी में नकली नोट बनाने वाले कई गिरोह पकड़े जाते हैं, जैसे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेहनाजपुर में एक गैंग को पकड़ा गया और ये गिरोह चलाने वाला शख्स गांव के फेमस इंग्लिश स्कूल का प्रिंसिपल था, जो स्कूल में ही नकली नोट बनाता था। वहीं इसके साथ फिरोजाबाद में भी 3 लाख के नकली नोटों के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। ऐसे कई गिरोह से पूछताछ के दौरान ये पता चला कि नकली नोट बनाने वालों का सबसे फेवरेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शराब के ठेकों का होता है। जी हाँ, ये गिरोह नकली नोट 10,000 की गड्डियां शराब के ठेकों पर सेल्समैन की मदद से चलाते थे, जिसके बदले में सेल्समैन उन्हें 5,000 के असली नोट देते थे। फिर वो सेल्समैन देर रात को ठेके पर आने वाले नशे में धुत लोगों को बड़ी आसानी से नकली नोट थमा देते थे और इस तरह सेल्समैन को भी एक गड्डी पर सीधा 5,000 रुपए का मुनाफा होता था। यूपी पुलिस आज तक ऐसे कई देसी ठेकों के सेल्समैन को पकड़ चुकी है। दूसरी रिपोर्ट है नागपुर की, जहां रहने वाले शख्स राहुल ठाकुर को एक दिन अचानक से फेसबुक पर जल्दी पैसा कमाने का विज्ञापन दिखता है और जब राहुल उस नंबर पर फोन करते हैं तो सामने वाला कहता है कि हम तुम्हें 2 लाख रुपए के बदले 8 लाख रुपए के नकली नोट देंगे, जो बिल्कुल असली नोटों की तरह दिखते हैं। तभी राहुल ने नागपुर पुलिस से संपर्क करके पूरी बात बताई और पुलिस ने जाल बिछाकर नकली नोट छापने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 500 के नोटों के 44 बंडल मिले और कुल नोटों का मूल्य 25 लाख रुपए था। इसी तरह जाली नोट बनाने वाले गिरोह फेसबुक के जरिए सरेआम नकली नोट बेच रहे हैं, लेकिन उनका नेटवर्क इतना दूर तक फैला हुआ है कि उन्हें ट्रैक करके पकड़ना, पूरा ऑपरेशन बंद करवाना पुलिस के लिए भी काफी मुश्किल साबित हो रहा है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप भविष्य में कैसे जाली नोटों को परख सकते हैं। तो आपने गौर किया होगा कि जब आप दुकानदार को 500 का नोट देते हैं तो वो उसे दाएं बाएं करके देखता है। एक्चुअली वो आंखों के सामने 45 डिग्री एंगल पर रखकर नोट पर लिखे 500 या 2000 को चेक करता है। इसके अलावा नोट पर मौजूद गांधी जी के वाटरमार्क को भी चेक करता है। सबसे खास फीचर जो सिर्फ असली नोट पर नजर आता है वो ये है कि असली नोट को हल्का मोड़ने पर सिक्योरिटी थ्रेड का कलर ग्रीन से ब्लू हो जाता है, जो नकली नोट में होना बेहद मुश्किल है। नोटों पर देवनागरी में 500 भी लिखा रहता है। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का असली नोट इतनी हाई टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं कि ब्लाइंड पर्सन भी उन्हें छूकर आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें अशोक स्तंभ के प्रतीक महात्मा गांधी की तस्वीर, ब्लीड लाइन और आइडेंटिफिकेशन मार्क रफ प्रिंट होते हैं। इसी तरह इन सभी चीजों को देखकर आप ये जान सकते हैं कि ये आपके हाथ में आया नोट असली है या नकली। और अगर आपको जरा सी भी शक हो तो किसी भी नोट को लेने से मना कर दीजिए। वहीं सरकार भी समय समय पर नोटों के कई ऐसे बदलाव करती रहती है जिससे नकली नोट बनाने वाले गैंग्स का काला धंधा ठप पड़ जाता है। खैर दोस्तों, क्या भारत में नकली नोटों की छपाई को पूरी तरह से रोका जा सकता है? अगर हाँ तो इसके लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी मार्केट में घूम रहे नकली नोटों से बच जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।